और शेष द्रौपदी रह जाती। सुगनी ने बोल मारा धर्मपुत्र के कि भाई कभी कई बार जवारियों के साथ ऐसा देखा गया है कि भी सब कुछ लुटा दें और हार का अपनी औरत न ला दें, उस औरत के भाग से सब कुछ बावड़ जा। धर्मपुत्र के दिमाग में भी यह बात आई कि द्रौपदी ने लाकर देख लेना था कि मैं पार पड़ जा। उल्टा बैठ के और दाव के ऊपर द्रौपदी ला दी, जबकि कैरों की तरफ से सुगनी पास से डरता था। सुगनी ने अगले पास से वह भी साफ बना दी, द्रौपदी को भी जीत लिया। राजपाट पांचों पांडव और साथ में द्रौपदी को जीत लिया। प्रतिकामी दूत को बुलाया कि जाओ उस महारानी को बेरा कर दे, एक दासी के रूप में दरबार में हाजिर हो जाएगी। वो प्रतिकामी दूत हुक्म पाते ही महारानी द्रौपदी के महल में गया, जाकर नमस्कार किया। महारानी जी नमस्कार, आओ रे प्रतिकामी कैसे आना हुआ? हे महारानी जी, एक अशुभ संदेश लेकर आया हूं। क्या? कि तुम्हारा राजपाट तुम्हारे पांचों पति और तुमको जुए में जीत लिया और एक दासी के रूप में दरबार में हाजिर होना। क्यों रे, हमें कोई जीत सकता है? हमारे राज को कोई खो सकता है? मेरे पांचों पतियों को कोई नहीं जीत सकता, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो प्रतिकामी दूत को धमकाती है और क्या कहती है, ये रे धनवान प्रथम हुए बिना खत्म, ईसा जुल्म सितम कोई करा नहीं सकता।
ज्ञान की। डूबे मरदार मैं तो पार नहीं आया मान की। दूसरों का दाव दूरे का दाव पापियों की नाव कोई तरह नहीं सकता।